हेलो, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चलिए कुछ सेशन को शुरू करते हैं। रैपिड रिवीजन ऑफ 50 एमसीक्यूज मे बी विद इन 20 to 25 मिनट्स। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप हमारी फ्री क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो बाय एनी कॉन्स्टेंट आपको पता नहीं था, तो यू कैन ज्वाइन अस इन द फ्री क्लासेस सेशन ऑन एन अकेडमी। दीज आर कम्प्लीटली फ्री एंड रात को 12 बजे एंड दोपहर 3 बजे चैप्टर वाइज सीरीज चलती है। दोपहर 3 बजे और रात को फुल सिलेबस रात 12 बजे अन अकेडमी पर करते हैं। दिस इज माई प्रोफाइल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। यू कैन फॉलो एंड गेट स्टार्टेड ऑन एन अकेडमी विदाउट एनी डिले। फॉर एनी फर्दर अपडेट्स आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपकी स्क्रीन के सामने शायद क्वेश्चन आ रहा होगा और हम भी आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ओके, क्या सवाल है आइए देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, क्या सवाल है। ओके, द बॉडी सेल इन द कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हिमोलिम मेनली इन द फॉर्म ऑफ। आपको याद होगा ये चीज तो सबको पता है, यूरिक एसिड निकलता है ना, यूरिक एसिड निकलता है। तो यूरिक एसिड में यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, पोटेशियम यूरेट दिया है क्या दोस्तों? क्या लगता है आंसर आ जाएगा पोटेशियम यूरेट देख के? ओके, हाँ जी आ जाएगा। तो 1C इज द वेरी इजी आंसर, राइट है ना, 1C इज द वेरी इजी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस नर्व सेल। आपको पता है नर्व सेल्स को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स बोलते हैं बॉडी में। हाँ, तो ये दूसरे सेल से कैसे अलग है? बिकॉज इसके पास पेरिकार्योन है। पेरिकार्योन न्यूक्लियस के साइड साइड वाले बोलते हैं पेरिकार्योन, याद आ रहा है? निसल बॉडीज एंड ऑल आपने पढ़ा था, यस याद आ रहा है? यस, निसल ग्रैन्यूल्स, राइट है ना। डेंड्राइट हो जाते हैं, कुछ सेल के पास डेंड्राइट तो नहीं मिलते हैं, तो इनके पास क्या मिलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, जो ऐसे ऐसे साइड से सेल बॉडीज से जो निकल रहे हैं ना, डेंड्राइट्स। क्लियर, तो आंसर भी नंबर सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सवाल है, एंग्जाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर। एंग्जाइटी मतलब क्या हो गया, अब तुम बोल रहे हो सर नीट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हो और उसमें खाना खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो लास्ट में, तो क्या हो जा रहा है, आप एंग्जाइटी भी और स्पाइसी फूड भी खा रहे हो। मान लो कोई स्पाइसी चीज खा लिया तो उसके कारण इनडाइजेशन हो जाएगा। अगर तुम सीरियसली लाइक कि तुमको प्रॉब्लम है, मतलब क्या होता है इसमें, इसमें तुम्हारा सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड रहता है, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक के एक्टिवेशन के कारण तुम्हारे डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस, वो निकलते नहीं है सही से, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टिपिकल, क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट टिपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया। अब मुझे बता दो तो मैमल का कौन सा इसमें फीचर नहीं है, आपसे सिंपल एक सवाल पूछा है, मैमल का इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है, यही जानना चाह रहे हैं, मैमल का फीचर कौन सा नहीं है। ओके, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे बताओगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, मैमल का कौन सा फीचर नहीं मिला यहाँ पे, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्यों, क्योंकि ये तो आपने फ्रॉग में पढ़ा था 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, मैमल में तो नहीं है ऐसा, मैमल में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है, याद है ना, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ें क्या, आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। ओके, अब मुझे जल्दी से आप थोड़ा सा नॉलेज बूस्टर देना चाहिए ना आपको, तभी तो आप बोलोगे हाँ क्लासेस में मस्ती होगी। तो 13 बार मोल्टिंग होती है, कितना, 13 टाइम्स, 13 बार लिख दूं, और यहाँ पे जो मोल्टिंग हो जाती है, इन सब मोल्टिंग को क्या, कैसे मोल्टिंग हो रहा है, मतलब इसके अंदर पैरा क्या बोलते हैं, याद है सर? ओके, क्या बोलते हैं, पी से मैं ही बता दूं क्या, और क्या बोलते हैं, मैंसर नहीं बोलने वाला, चिंता मत करिएगा, मैंसर बोलूंगा तो फिर तो मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 13th मोल्टिंग जो हो रही है ना, वहां पे क्या हो रहा है, इसके पर निकल आ रहे हैं, मम्मी पापा घर में बोलते हैं पर निकल रहे हैं ना, तो उसके पर निकलते हैं उड़ने के लिए। ओके चलिए, ओके वेरी गुड, चलिए आइए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो आंसर 5C हो जाएगा, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्या पूछा आपसे, एस्करिस, एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जैसे दिमाग में आता है वैसे ही आपको हिट करता है, सर ये तो एस्केलमाइंथिस है, एस्केलमाइंथिस के पास स्यूडोसिलोम होता है, स्यूडोसिलोम होता है, मेटामेरिज्म भी ट्रू थोड़ी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एबसेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम, ये बोलते हैं ना एबसेंस ऑफ, ओ सॉरी एबसेंस ऑफ, हाँ ट्रू सिलोम भी एबसेंट है और मेटामेरिज्म भी एबसेंट है, तो खोज लीजिए एबसेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस मेटामेरिज्म, नो प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम, ओके ये लिख सकते हैं क्या, ओके आइए देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम, हाँ मतलब यही होगा एक्चुअली, ठीक है आइए देखते हैं यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ एबसेंस, ओके क्या होना चाहिए सर, प्रेजेंस बोलेंगे ना टर्म में, मतलब एबसेंस ऑफ ट्रू सिलोम, ठीक है ट्रू सिलोम एबसेंट है यही है, और क्या हो जाता है वहां पे, ट्रू मेटामेरिज्म भी एबसेंट होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा जल्दी बता दीजिए, मैं यहाँ पे
ट्रू सिलोम एबसेंट है, यहाँ प्रेजेंस लिखा है गलत, एबसेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट मेटामेरिज्म प्रेजेंट, गलत हो गया। तो आंसर भी सी है क्या, क्या बोलते हो, सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फॉर मेटाबोलिस्ट बोल दिया सबने, दैट इज सो अमेजिंग। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी हो गया, सेवन करें क्या, सेवन आ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्राइजोमी, सबको पता है 2n+1। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमोसोम नंबर 18 का ट्राइजोमी, 18 का ट्राइजोमी को क्या बोलोगे आप, 18 ट्राइजोमी को, जी 18 वाले ट्राइजोमी को ई फॉर 18 एडवर्ड सिंड्रोम बोलोगे, ठीक है, याद रहेगा ना, भूलना मत ये। और क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइजोमी, 21 का ट्राइजोमी को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम बने कैसे होंगे। तो हमको याद आ रहा है सर, कोई परमानेंट इशू था, वो डी डिफरेंसिएशन गया, तभी तो ये बने होंगे। तो आंसर विल बी डी डिफरेंसिएशन, डी डिफरेंसिएशन के द्वारा ये बने हैं, ठीक है। ओके, बिकॉज दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, कैम्बियम का मीनिंग क्या हो रहा है, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, राइट। ओके यस सर जी, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, तो वहां से आप इजिली आंसर निकाल दोगे, राइट है ना। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, सेवन का बी लगा दिया क्या, ओके, और एट का, एट का क्या हो जाएगा फिर, एट का सी है क्या, ओके हाँ जी लगा दिया। चलिए क्वेश्चन में नाइन करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स फैमिली के लिए कौन सा पूछा है, यार कोई सवाल है बताओ, इतना ईजी हो गया। फैमिली जैसे सोलानेसी, तो ए सी ए ई लगाते हैं, ए सी ए ई, तो सोलानेसी के लिए लगा दिया ए सी ए ई, राइट, क्लियर है ना, सोलानेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए आरएनए, सबको पता है पहला आरएनए था, क्यों, प्रूव भी हुआ है कि पहला जो वर्ल्ड था वो आरएनए वर्ल्ड क्यों था, ठीक है, ओके याद है ना। ओके, आरएनए के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, आपको याद है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, आरएनए आल्सो गॉट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, क्या बोलते हो दोस्तों, है ना, सही बोला ना, यस सर जी एकदम सही बोला, कैटालिटिक एक्टिविटी, राइबोसाइम पढ़ा था आपने। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। द हाइएस्ट नंबर ऑफ जीन्स एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर रेस्पेक्टिवली फाउंड इन, बेसिकली फाउंड रेस्पेक्टिवली इन, सबसे ज्यादा जीन सबसे ज्यादा वन पे मिलते हैं, सबसे कम वाई पे मिलते हैं, दैट इज इट सो सिंपल। जो क्रोमोसोम नंबर वन है ना, उसको सबसे लास्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया गया था मैपिंग, अगर आपको याद है पूरा, 2006 की बात है क्या, ओके हाँ जी सर 2006 की बात है, ईयर 2006 लिख दे रहा हूँ, है ना, क्या बोलते हो, देखो आपको एडिशनल जो ज्ञान है ना वो भी मिल जाएगा। अरे सर इतना, ओके चलो आ जाओ, कैसे बढ़ा रखे हैं, सलून नहीं गए यार, ठीक है सलून जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जा रहा है ना इसीलिए, डोंट वरी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं सवाल, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12th करें क्या, ओके 12th पूछ लिया हिस्टोन के बारे में, हिस्टोन सर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हो जाते हैं, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली स्पेलिंग देख लेना यार, ओके LYO, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, दे आर प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स, ओके, और क्या हो जाएगा, दे आर रिच इन लाइसिन अर्जिनिन, है ना, बेसिक होते हैं ना ये, दीज आर बेसिक प्रोटीन्स, राइट। तो आंसर भी नंबर सी, क्लियर। आई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टिश्यू हैविंग सेल विच आर लिविंग, लिविंग है, थिकनिंग एट द कॉर्नर, दैट इज इट, कॉर्नर का थिकनिंग, सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन वाला याद आ रहा है, क्या हो जाएगा वहां पे, कोलेनकाइमा हो जाएगा, आपको पता है कोलेनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इस चीज को याद रखिएगा। देखो क्या ओपी रिविजन हो जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई ब्लू, ब्लू का मतलब इंडिगो, ब्लू इंडिगो आ गया आंसर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आप में से बहुत बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पलर ये सब भी करा दिया, अगर क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो यहाँ बोले अमेंसलिज्म, एंटीबायोटिक जब आप लेते हो तो वो अमेंसलिज्म ही तो होता है, एंटीबायोटिक वाला कहानी, जैसे एग्जाम्पल एंटीबायोटिक वाले में पेनिसिलियम वाला था, ठीक है, तो एक स्पीसी हार्म होती है और एक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वन स्पीसीज इज हार्म्ड मतलब माइनस और जीरो, माइनस जीरो अमेंसलिज्म बोलते हैं, कमेंसल में हो जाता है प्लस और जीरो कमेंसल में, ठीक है, क्लियर है जी। यहाँ पे 15 सवाल एकदम चुटकी बजा के डन कर दिए यार, और क्या चाहिए बताओ। ओके लैग हो रहा है क्या, ओके एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं नहीं लैग तो नहीं है, ठीक है ना। ओके आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या सवाल है 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया, आइए मैं देखता हूँ चैट्स आपके देख नहीं पा रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या चीज सही है, यहाँ पे जल्दी से बता दो यार जरा देखो, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या सही है, आओ लेट्स सी यहाँ पे। ओके सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या सही है, आइए जरा से देख लेते हैं यहाँ पे, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं आवाज बंद कर देता हूँ, है ना। ओके चलिए, तो सिकल सेल एनीमिया इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कांट बी है क्या, ओके इट कैन बी ना, ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या जी, वो तो
ये तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो इसको क्वांटिटेटिव नहीं बोलेंगे, इसको क्वालिटेटिव बोलेंगे। एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया है कि ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, और जो थैलेसीमिया हो जाता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्या बोलते हो दोस्तों, समझ आया? तो ये तो क्वालिटेटिव था। अरे अमेजिंग, ओपी ओपी, बहुत सही है, आ जाइए। मेल ओनली, लड़कियां बोलती है क्यों भाई, हमारे को भी तो हो सकता है, तो ऑटोसोमल है ना, तो मेल को थोड़ी होगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पे खतरा गया? नहीं, इजी है। द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन मेज, मेज इज कैटेलाइज्ड बाय, मेज का प्लांट कैसा होता है? C3C4। मेज का प्लांट कैसा होता है जी? यहाँ पे C3 या C4 क्या होता है? C3C4 क्या? C4 होता है सर। सर C4 हो जाता है, तो C4 में क्या यूज करोगे आप प्राइमरी के लिए? 17 का क्या हो जाएगा? बी सर, पेप्को यूज करेंगे, पेप्को यूज करेंगे सर, पेप्को। एकदम इजी आ गया, पेप्को कर देंगे। चलिए ये लिख देते हैं, पेप्को ही लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करेगा, 18 बहुत इजी है, एग्जाम्पलर का है शायद ये, एग्जाम्पलर नहीं तो किसी एक PYQ ही है ये। आ जाओ, चलो जल्दी से लगा दो इसका आंसर, क्या होना चाहिए भाई? वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो लाइक कर दो जल्दी से, वीडियो लाइक कर दो। ओके, इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टोटल नंबर ऑफ इतना न्यूक्लियोटाइड वर प्रेजेंट, प्रपोर्सन एडिनिन 29 है, थायमिन 17 है। देखो हम लोग जानते हैं अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो ए और टी बराबर होने चाहिए, है ना, एडिनिन थायमिन बराबर होना चाहिए, बट यहाँ तो डिफरेंस है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब तुम मुझसे पूछोगे यहाँ पे, सर ये डीएनए या आरएनए क्या होना चाहिए? डीएनए या आरएनए? सर आरएनए के पास थायमिन मिलता है क्या? आरएनए के पास तो थायमिन नहीं मिलता सर, तो ये क्या हो गया, ये तो डीएनए हो गया। तो आंसर कहाँ है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, दैट इज इट, सो सिंपल। क्या मजा आया? ओके बताओ और क्या चाहिए, इतना ईजी बन गया। और नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 19। ड्यूरिंग एनाफेज वन ऑफ द मियोसिस, मियोसिस में एनाफेज वन में क्या केस होता है भाई? एनाफेज वन ऑफ द मियोसिस, याद करिए कि एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज वन में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर देखने को नहीं मिलता, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती है भाई, इस चीज को याद रखना। एनाफेज टू में तुम्हारा सेंट्रोमियर स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्या, होता है, ठीक है, एनाफेज वन ऑफ मियोसिस में नहीं होता है, तो आंसर भी नंबर ए, दैट इज इट, सो सिंपल। ओके क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, 20 नंबर सवाल, आइडेंटिफाई द गलत स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत कौन सा है मियोसिस के लिए, गलत कौन सा है मियोसिस के लिए? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, पेयरिंग साइनेप्सिस, ये तो सही है, चार हैप्लोइड प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है, एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ये भी सही है। टू साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, नो मैन, दो तो नहीं होते, एक ही बार होता है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन अकर ओनली वंस, डीएनए रेप्लिकेशन, ओके वंस लिख देंगे आप, एक ही बार होता है, ठीक है, तो 20 का डी हो गया, दैट इज इट, चुटकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, उस दिन बताया था शाम को क्लास में शायद। ओके फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन बोलती है रेड आ रहा है, तो रेड एल्गा होना चाहिए, रेड एल्गा के एग्जाम्पल क्या होते हैं? आरपीजी, आरपीजी मतलब ओके पोर्फेरिया लिखा है तो ठीक है, पॉलीसिफोनिया लिखा है वही पकड़ लेते हैं, और ग्रेसिलेरिया लिखा है तो पीजी आ गया, यहाँ पे आ गया, दैट इज इट, सो इजी सवाल, बताओ यार। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द हाईएस्ट नंबर इन द सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी सेल में सबसे ज्यादा कौन से होंगे, जल्दी से लगा दो, लेट्स सी यहाँ पे सिक्रेटरी सेल में कौन से होंगे सबसे ज्यादा, यार सिक्रेटरी सेल में सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सिक्रेटरी मतलब जो ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, कोई ऐसा ऐसा चीज है जिसको बाहर भेजना है पैकेट करके, लड्डू को पैकेट में डाल के भेजना है, तो आंसर आ जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज सो इजी ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, प्लांट के अंदर गोल्गी को क्या बोलते हैं? प्लांट के अंदर गोल्गी कैन बी कॉल्ड एज डिक्टियोजोम, ठीक है, डिक्टियोजोम्स, इस चीज को याद रखिएगा गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, यहाँ पे गलती कौन सी है, यहाँ पे गलती कौन सी, आइए देखते हैं, लेट्स सी द गलतीज, यहाँ पे कुछ गलती है क्या जी? आइए लेट्स सी यहाँ पे गलती है क्या, एकदम गलती बता दो मुझे। बॉम्बिक्स मोरी सिल्क, पाइला ग्लोबोसा मतलब एप्पल स्नेल है, मतलब उसमें पर्ल निकाल देंगे, पाइला मतलब पर्ल थोड़ी हो जाएगा, तो 23 का भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पर्ल ऑयस्टर, पर्ल के लिए नाम क्या होता है सर? पिंकटाडा नाम सुना था हमने, तो ये यहाँ पे ये क्या कर रहा है पाइला, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर विल बी नंबर बी, ठीक है, इज द आंसर ऑफ चॉइस, क्योंकि ये गलत है, पिंकटाडा हो जाएगा पर्ल ऑयस्टर, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, राइबोफोरिन, एक दिन जिक्र कर रहे थे हम लोग क्लास में रात को, याद है आपको, राइबोफोरिन 1 और 2 के बारे में बात कर रहे थे, और लो सवाल आ ही गया, राइबोफोरिन 1 एंड 2, राइट, राइबोफोरिन 1 एंड 2 ये क्या होते हैं? देखो जो तुम्हारे जो लड्डूज रहते हैं, लड्डू मतलब कौन से लड्डू सर? नहीं समझ आया सर, जो राइबोजोम होते हैं, ठीक है, राइबोजोम जो है
उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकाना रहता है। तो उसको चिपकाने में कौन मदद करते हैं? राइबोफोरिन 1 और 2 मदद करते हैं। तो 24 का डी इज द आंसर ऑफ चॉइस, सो सिंपल राइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लेट्स सी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट किस में होंगे? प्लाज्मोडियम। सर एब्सेंट होंगे सर प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। ओके चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे तो क्या होना चाहिए यार, जल्दी बता दो। प्रोकैरियोट कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस, ये अगेन एक और लड्डू, कॉकाई, कॉकाई मतलब लड्डू हो जाता है ना, ठीक है, कॉकाई मतलब लड्डू, स्पेरिकल शेप्ड राइट। तो आंसर भी नंबर सी बैक्टीरिया, दैट इज इट, सो सिंपल राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 26, द वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ये मोनोकॉट में मिलते हैं, वाटर कंटेनिंग कैविटीज याद रखिएगा। तो आंसर विल बी क्या होना चाहिए सर? मेज, दैट इज इट, सो सिंपल, वाटर कंटेनिंग कैविटीज जाइलम के। ओके आइए एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल्स? बर्ड्स बोलती है मैं तो अंडा दूंगी भाई, मैं तो एग्स दूंगी। मैमल बोलते हैं मैं तो बच्चे देंगे, हम लोग बच्चे देंगे, ठीक है। तो विविपैरिटी इज नॉट शेयर्ड ना, ओके विविपैरिटी इज नॉट शेयर्ड, सो इजी राइट। बच्चा देने वाली कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी शेयर हो रही है, बर्ड्स तो अंडा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लेट्स सी 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस का कौन सा फीचर नहीं है? माइटोसिस का साइनेप्सिस किस में होता है? मियोसिस में होता है। स्पिंडल फाइबर दोनों में दिख रहे हैं भाई, डिसअपियरेंस दोनों में हो रहा है, सेंट्रोमियर दोनों में हो रहा है, ओके और तो बचा क्या? आंसर भी नंबर ए सिंपल ना, साइनेप्सिस मियोसिस में होता है, क्या बोलते हो? साइनेप्सिस कहाँ होगा जी? साइनेप्सिस मियोसिस में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 कर लें, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? सर वो याद आ रहा है, सेल वॉल ट्रैवल्स था, मिडिल लैमेला भी ट्रैवल्स था, तो कौन था आंसर? ओके 29 का प्लाज्मोडेस्माटा, वेरी गुड, वेरी रैपिड यार, बहुत सही, प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएंगे। ओके कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है ना प्लाज्मोडेस्माटा का। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है, नीट बायोलॉजी में पूछा हुआ है। द फर्स्ट स्टेबल फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बनता है? याद आ रहा है N2 लिए थे वहां पे और 2NH3 बना था, याद आ गया। तो सर जी तो क्या होना चाहिए आंसर? सर 30 का बी सर, बच्चा सवाल है। आइए 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूओडेनम? हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट का ओपनिंग ड्यूओडेनम में कौन गार्ड करके रखेगा, जल्दी बता दो। सर ड्यूओडेनम एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको याद है, ठीक है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ऐसे ऐसे करके पेनक्रियास का जो डक्ट है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहा था, तो यहाँ पे जो क्या आ जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डी आ जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डी आ गया सर, एकदम इजी, बताइए। 31 का सी हो गया, 32 कर देंगे, आइए देखते हैं। गाइस वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो, तो नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, सजेशन देके जाना लाइक करने के बाद कि कैसे इंप्रूव और करें हम लोग। ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जेनेटिकली आइडेंटिकल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए इंडिविजुअल को क्लोन बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है क्लोन्स आर, क्या लिखा है, मॉर्फो और मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, क्या बोलते हो, यही था ना? हाँ जी याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इन ए सीरियल ग्रेन सिंगल कोटिलेडॉन, सिंगल कोटिलेडॉन, सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम, याद रहेगा, लो मैंने ही बता दिया। ओके रात को टफ लाना प्लीज, ठीक है, मैं देखता हूँ अगर तुम रात को शेयर कर दोगे तो मैं ले आऊंगा, टफ ले आऊंगा, थोड़े से स्टैंडर्ड ले आऊंगा, टफ मतलब स्कूटेलम हो जाएगा, ठीक है, सिंगल, ओके क्या बोलते हैं इसको, शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन राइट। आइए 34 करते हैं, 34 क्लोरामफेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन, एनसीईआरटी में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो किससे बन रहे थे वो, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बन रहे थे, याद है केमिस्ट्री में पढ़ा था ना 34 में केमिस्ट्री में, इसे क्लोरामफेनिकॉल एरिथ्रोमाइसिन का नाम, क्लोरामफेनिकॉल तो सुना था मुझे, याद है तुमने पढ़ा है, ठीक है, पेनिसिलियम नहीं होगा, पेनिसिलियम नहीं होगा यहाँ पे, 34 का ही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में 35 करते हैं, ठीक है, ये वाला केमिस्ट्री में दिया गया था वैसे। अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में, इसके कारण क्या हुआ, कन्वेंशन, ओके रिजल्टेड इनटू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इजी है ना, क्या चाहते हो, नैरो, ओके ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते थे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक ही जन के ऊपर स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को बोलते हैं चलो तुमको ही मारूंगा। आइए 36 देखते हैं, साइलेंसिंग ऑफ mRNA has been used to produce transgenic plant, tobacco से related था, transgenic tobacco वाला,
अ रेजिस्टेंट अगेंस्ट नेमाटोड, तो बना था नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, क्या बना था जी यहाँ पे, एकदम बढ़िया सा, ओके, नेमाटोड रेजिस्टेंट। और सारे ये सारे जितने मैं बात कर रहा हूँ ना कहीं ये ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से लिंक्ड है, जो नहीं है वो केमिस्ट्री से लिंक्ड आ गया, ठीक है, तो नेमाटोड रेजिस्टेंट था ये, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, 37 नंबर सवाल है, हॉर्मोन विच विल इंक्रीज ब्लड शुगर वाइल इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, अगेन एनसीईआरटी में लिखा गया है, बहुत बढ़िया ट्विस्ट है इस सवाल में, अब आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। आई एक्चुअली वो भी एक काइंड ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें डेमी पॉपुलेशन पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा क्लोजली रिलेटेड आ जाते हैं, इवोल्यूशन में पढ़े थे, इवोल्यूशन में अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूनिट से रिलेटेड आ जाता है इवोल्यूशन में, तब उसमें डेमी करते हैं या फिर सिम्पैट्रिक करते हैं या एलोपैट्रिक, वो पहले तो डेमी का मारा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा इसका आंसर है नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं सर, इसको नॉरएड्रेनलिन भी बोल लीजिए, एक ही बात है, क्या बोलते हो, है ना, आंसर भी नंबर है, क्यों, नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा वहां से, याद आ रहा है, यस याद आ गया, ओके, क्यों, क्योंकि तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन के जैसे काम करेगा ना, एड्रिनलिन नॉरएड्रिनलिन, याद आ रहा है। नाउ 38 करते हैं, लेट्स सी सर, ओके, फेलोपियन ट्यूब बोला स्मॉल पार्ट, तो आंसर सबको पता है ट्यूबेक्टोमी है, इस पर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फीमेल के लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड है, फीमेल के लिए सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, गिफ्ट, ओके, ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में, तो एक ये हो जाता है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यार, ठीक है। गिफ्ट किसके लिए किया जाता है, रिकमेंड किसके लिए होता है, गैमेट इंट्रा, मतलब कोई भी गैमेट को, आप गैमेट बेसिकली ओवम को आप क्या कर रहे हो, आप फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, ठीक है, तो अब आप ओवम डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्योंकि वो शायद ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी फीमेल, है ना, इसीलिए आप डाल रहे हो, तो हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, सही लाइन है ना, और अगर वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बट आप फेलोपियन ट्यूब में ओवम डाल रहे हो, व्हाट डज दैट मीन, कि फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, इम्प्लांटेशन भी अंदर होगा, है ना, समझ गए ना आप, तो आंसर क्या हो सकता है, वो उधर वहां पे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो सकता है बट वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ड्रॉइंग दिख रहा है आपको, मुझे बताना एक बार, ड्रॉइंग समझ आ रहे हैं यहाँ पे, ओके चलिए आइए, वेरी गुड, एनवायरमेंट दे सकती है, बहुत सही, ओके चलो अब जल्दी से बताओ, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक मार्किंग एनसीईआरटी में भी की गई थी, ये बीच में एक ऐसा ऐसा बना हुआ था, याद आ रहा है, ये क्या लैक्टियल है, ये है क्या, ये एक्चुअली एक लैक्टियल है, तो लैक्टियल ट्रांसपोर्ट फैट्स, वेरी इजी राइट, है ना, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम नीच और हैबिटेट, क्यों मैन, सेम नीच या हैबिटेट में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्यों नहीं रह सकते हैं, दिस लॉ, ओके क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन वाला तुमने पता है तुमको, ओके तो ये हाइपोथेसिस किसका था, ये हाइपोथेसिस गॉस का एक्सक्लूशन, गॉस एक्सक्लूशन हाइपोथेसिस था क्या, यस सर जी गॉस का, सेम नीच में नहीं रह सकते इनडेफिनेटली, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 यहाँ पे इनकरेक्ट मैच मारना है हॉर्मोन के रिगार्डिंग, तो 42 के लिए इसमें इनकरेक्ट क्या है दोस्तों, क्या लगता है यार, वीडियो लाइक हो गई क्या, 100 लाइक नहीं पहुंचे गाइस हमारे, ठीक है तुम ओके 100 लाइक कर सकते हैं क्या, आइए देखते हैं इनकरेक्ट मैच क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं, मेलाटोनिन पीनल ग्लैंड से है, थाइमोसिन फ्रॉम थायराइड, नो मैन, थाइमोसिन तो किससे निकलता है, थाइमोसिन जल्दी बताइएगा, थाइमस से, ओके थाइमस से निकलता था तो ये तो गलत हो गया, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, याद रखिएगा थायरोक्सिन आपको याद रखना है, ठीक है तो ये गलत है। नाउ 43 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट हर्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद, पहला हर्ट साउंड किससे एसोसिएटेड हो जाता है सर, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द या एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, एवी वाल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एग्जाम्पल्स जैसे तुम्हारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, उनका क्लोजर के कारण होता है ये आवाज, याद रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू, ड्वार्फिज्म, ओके हाइट कम क्यों हो जाती है, हाइट कम क्यों हो गई, रीजन क्या है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होना चाहिए था तब रिलीज नहीं हुआ चाइल्डहुड में, उसका सिक्रीशन कम हुआ, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इजी है ना, आंसर भी नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, 45 करते हैं, लेट्स सी 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री आर फ्यूज्ड, इसमें से कौन सा फ्यूज्ड है, सैक्रम और एक और फ्यूज्ड है, कॉकिक्स भी तो फ्यूज है ना, तो सैक्रम एंड कॉकिक्स, सैक्रम में 5 जन फ्यूज है, कॉकिक्स में 4 जन फ्यूज है, 4 वर्टिब्रे। 46 करते हैं, आर्बर वाइटा, आर्बर वाइटा के बारे में बात करेंगे, आर्बर वाइटा इज क्या हो जाएगा, आर्बर वाइटा इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ओके ट्री ऑफ लाइफ भी बहुत लोग बोलते हो, ट्री ऑफ लाइफ इन सेरिबेलम, ये कहाँ मिलता है, सेरिबेलम में मिलता है, ठीक है सेरिबेलम याद रख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं,
द पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. अब बताइएगा ब्रेन का कौन सा पार्ट नीचे कंटिन्यू के स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है. आंसर है मेडल ऑफ लोंगाटा. वेरी इजी ना, इतना इजी सवाल बताओ यार. मेडल ऑफ लोंगाटा, मेडल ऑफ लोंगाटा में बहुत सारे सेंटर है ना, कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वॉमिटिंग का सेंटर है, क्या सही है और बताओ. आइए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, लेट्स सी. ठीक है, वेयर डज द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो मुझे बताना यार यहाँ पे डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस का. क्या लग रहा है सर जी, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में करवाए ना, स्ट्रोमा में करवाना चाहिए, तो स्ट्रोमा हो जाएगा. ठीक है, ओके. जिनको नहीं लग रहा था स्ट्रोमा, यार थोड़ा सा पढ़ाई हल्कू सी करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं. 49 नंबर क्वेश्चन, फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट. एक ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है सर, 6 कार्बन कंपाउंड है यही ना. ओके चलिए, तो 6 कार्बन 6 बार चला दो साइकिल को, और क्या चाहिए, 6 बार चला दें क्या. 49 का सी आ गया, 50 करेंगे, 50. लेट्स सी, प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट. C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन बनता है सर, 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, याद है क्या, RUBP बन रहा था क्या जी, क्या बोलते हो, जल्दी से बता देना मुझे यार. ओके RUBP था सर, तो आंसर भी नंबर बी लगा देते हैं. 51 करें क्या, 51 करते हैं. HIV के बारे में पूछा है. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हैज अ प्रोटीन कोट एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज. जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाता है इनका, जल्दी से बता देना मुझे. जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है क्या, सिंगल, और इसमें कितनी कॉपी होती है, अगर कोई मुझे बता दिया नॉलेज वाला थोड़ा सा, कितनी कॉपी होती है, 2 pieces ओनली, मतलब 2 copies. ठीक है, 2 copies ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जिनको याद नहीं था डोंट वरी गाइज. ठीक है, याद रखिएगा, अभी के लिए हम लोगों ने क्लास को मॉडिफाई करके 50+ का कर दिया, जल्दी जल्दी हम लोग 100+ के भी करने वाले हैं, सून लेटर बोलते हैं, जितना जल्दी कर सके. तो आज के लिए थंबनेल चेंज होके 50+ था, डोंट वरी, विल बी कंटिन्यूइंग द क्लास एट रात को 12 बजे ऑन एन अकेडमी. अब फ्री क्लास है, वहां आ सकते हो. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको आसानी हो कोई भी थंबनेल या बेसिकली थंबनेल्स देखने को, या फिर आप बोलते हैं नोटिफिकेशन लेने के लिए, वहां पे आसानी हो जाती है. ठीक है, तो वहां मिलते हैं आपसे क्लास में, या टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, पहले आइडिया लगते जाएगा तुम्हें. ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग.